देखते ही देखते चारों भाई कुमार अवस्था के हुए और उनका यज्ञोपवीत कराया गया। उसके बाद सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में जब राक्षसों ने डाला विघ्न, उनके संहार के लिए राजा दशरथ से मांगे राम और लक्ष्मण। गुरु और पिता की आज्ञा मानकर दोनों भाइयों ने राक्षसों का संहार किया। फलस्वरूप उन्हें ऋषि विश्वामित्र ने दिव्य अस्त्र प्रदान किया। वही दूर मिथिला नगरी जहाँ के राजा थे राजा जनक और उनके यहाँ अवतरित हुई कन्या सीता। जब सीता हुई विवाह योग्य, राजा जनक ने सुयोग्य वर की खोज के लिए रखवाया स्वयंवर और कराई यह घोषणा, जो चढ़ाएगा प्रत्यंचा शिव धनुष पर वही होगा सीता का सुयोग्य वर। आमंत्रित किया सभी राज्य के राजाओं को, साथ ही एक निमंत्रण भिजवाया ऋषि विश्वामित्र को, जिनको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और दोनों राजकुमारों के साथ मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान किया। जब घड़ी धनुष भंग की थी आई, सभी राजाओं ने की कोशिश किस्मत आजमाई, पर कोई पार न पा सका धनुष को दिगा न सका। फिर ऋषि की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी बढ़े आगे, एक झटके में उठाया धनुष और प्रत्यंचा लगे चढ़ाने, तोड़ धनुष प्रण पूरा किया, सीता को पत्नी रूप में अंगीकार किया। तो आइए हम भी नाचते गाते सम्मिलित होते हैं और साक्षी बनते हैं इस शुभ घड़ी का। खिला